बाहर कुंडी नहीं लगा रहे इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें घर के बाहर निकलने की छूट दे रखी है। घर की चार दीवारी में ही रहना तुम, समझे? बच्चे हैं तुम्हारे, ध्यान रखना उनका। प्रहलाद जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब भाई साथ क्यों नहीं दूंगा, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। चाय लीजिए। अभय जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6-7 महीने बाद वापस लौट आओ? गिरिजा जी, 2 साल से इस बात को टाल रहा हूं, पर सच ये कि मेरे माँ बाप अब बूढ़े हो चले और इस अवस्था में वो काफी बीमार भी रहते हैं। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। भाई तुम ये मत समझना कि मुझे बिल्डिंग के किराए की चिंता है। तुम इतने समय से इतने अच्छे इरादे से स्कूल चला रहे हो, मैंने ना लालच देखा तुम्हारे अंदर ना स्वार्थ। अब तुम जा रहे हो तो मन नहीं मान रहा। प्रहलाद जी, मुझे भी इस बात की चिंता है। जिस तरीके से मैंने स्कूल को संभाल रखा था, पता नहीं मेरे बाद लोग स्कूल को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। वैसे कुछ लोग हैं जो स्कूल के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बिजनेस वाले हैं। मुझे ये स्कूल पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना। वैसे सच कहूं तो आपके दिल की बात का कुछ अंदाजा है मुझे। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि क्यों ना मेरे बाद आप स्कूल के कारोबार को संभाल लें। आप अगर स्कूल के काम को आगे बढ़ाते हैं तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। जिस ईमानदारी और उदारता के साथ आप स्कूल के काम को आगे बढ़ाएंगे, वैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। भाई लगता तो मुझे भी यही है कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, हम दोनों बूढ़े हो गए, भागदौड़ नहीं कर पाएंगे। बच्चों का ख्याल रखने की पता नहीं वो ताकत कहां से जुटा पाएंगे। अगर आप मन में सोच लेना तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी कोई देखा ही नहीं। प्रहलाद ठाकुर की बिल्डिंग में एक छोटा सा स्कूल चलाया जा रहा था। जब स्कूल को चलाने वाले अभय सिंह को अपने पारिवारिक कारणों की वजह से शहर छोड़कर जाना पड़ा, तो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे प्रहलाद ठाकुर ने स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। प्रहलाद ठाकुर जानते थे कि उन्होंने एक मुश्किल काम को अपनाया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके सामने कुछ ऐसे हालात भी आने वाले थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। आज हम पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। बोलो 2 एकम 2। धन्यवाद अंशुमन जी, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रहलाद जी, आप जिस तरह से ये स्कूल चला रहे हैं, आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आपके स्कूल के बच्चे 4th क्लास पास कर लेंगे, तब तक आपको 8th क्लास तक की परमिशन भी मिली जाए। भगवान करे आपके पास सच हो जाए, वो यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे फिलहाल आपके हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? हॉस्टल नहीं, बस एक छोटा सा कमरा है, उसी में बच्चियाँ रहती हैं। मैं तो बस अभय के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। वैसे अभी 3 बच्चियाँ हैं, तीनों दूर गाँव की हैं, उनके माँ बाप की हालत कोई खास नहीं, इसलिए बहुत कम पैसे में हम उन्हें रहने की जगह देते हैं और स्कूल में पढ़ाते भी हैं। वो यहाँ नहीं पढ़ती हैं, तीनों आगे के स्टैंडर्ड की बच्चियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, आप जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, थैंक यू।
पापा ये संडे को जू में फ्री एंट्री है, सोच रहा था बच्चों को लेकर पिकनिक जाता हूँ। गुड आइडिया, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। अच्छा आइडिया। हाँ बच्चों की एक छोटी सी पिकनिक भी हो जाएगी। जैसे बचपन में आप लोग मुझे पिकनिक ले जाया करते थे, अभी भी याद है मुझे। वैसे बेटा अब स्कूल में हमारी क्लासेस बढ़ने वाली है तो हमें नए टीचर्स ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए, वैसे भी जब जरूरत होगी तब पेपर में ऐड दे देंगे। दर्शन ठीक कह रहा है। सर पायल 6 साल की है और छाया 5 साल की है। देखो कल्पना तुम्हारे दोनों ही बच्चे भी बहुत छोटे, मैं इन्हें नहीं रख सकता, इन्हें अभी सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सर हम बहुत गरीब हैं, पति की कमाई इतनी है कि मुश्किल से घर चल पाता है, ऐसे में अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएंगे? और वैसे भी हमारे पति नहीं चाहते कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। पति और सास नाराज हैं क्योंकि हमने 2 बेटियों को जन्म दिया है, अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, यहाँ रहेंगी तो जिंदगी सवर जाएगी। हम आपके स्कूल के बारे में हम अखबार में पढ़े थे, बड़ी आस लेके आए हैं सर। हाँ जोड़ते हैं आपके, हमारी बच्चियों को यहाँ रख लीजिए। ठीक है मैं इन्हें यहाँ रख लेता हूँ, लेकिन इन्हें यहाँ रहने की फीस देनी होगी, ज्यादा नहीं है। सर कितनी फीस? दोनों के हर महीने 200 रुपए लगेंगे। हाँ। और इनकी जरूरत का जो भी सामान होगा वो हम देंगे। सर लीजिए इस महीने की फीस। अच्छा ठीक है तो मैं इन दोनों बच्चों का ये एडमिशन फॉर्म भरना होगा और मुझे इनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। सर हम अगले महीने आपको ये सब चीज़ें दे देंगे। क्या है कि बच्चियों की खातिर हम अपने पति से छुपते छुपाते यहाँ आए हैं रामनीरपुर से, उनको पता चलेगा तो हमारे सर पे पहाड़ टूट जाएगा। हम वादा करते हैं सर आपसे अगले महीने आके आपको सारी चीज़ें दे देंगे, अभी हमारी बच्चियों को दाखिला दे दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, अदिति पूजा चंदा ये पायल है और ये छाया है, अब ये दोनों यही रहेंगे। बच्चों ये आप दोनों के बेड से, यहाँ आप सामान रखेंगे और वो टॉयलेट। ये अदिति दीदी है, ये पूजा दीदी और वो चंदा दीदी, ये तीनों तुम दोनों का खूब ध्यान रखेंगे और आपको जो भी चाहिए होगा आप इनसे कह देंगे, ठीक है? और कल से आप दोनों के क्लासेस शुरू, बहुत मजा आएगा आपको स्कूल में, तो आज आप दोनों आराम करो, खेलो कूदो, जो करना है वो करो और इसे अपना ही कर सकते। पायल दीदी अम्मा यहाँ आप कभी नहीं आएगी? नहीं तुमने सुना नहीं, अम्मा बोली ना कि वो 1 महीना बाद आएगी। तो क्या हमें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा? हाँ। कमाल करते हैं आप भी, 5 और 6 साल की बच्चियाँ बहुत छोटी होती हैं। मैं मानता हूँ मिर्जा, लेकिन उनकी माँ बेचारी वो इतना गड़गड़ा रही थी ना, मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। पर पापा अभय जी ने वो हॉस्टल तो 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए बनवाया था ना। मैं जानता हूँ बेटा, तुम लोग ना समझ नहीं रहे हो, उस औरत की हालत देखकर मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। लेकिन पापा रामनेरपुर तो यूपी में है ना, तो फिर उसकी माँ ने वहाँ पे हमारे स्कूल के बारे में कैसे सुना? उसने अखबार में पढ़ा था। फिर भी बिना कोई एडमिशन फॉर्म्स भरे, बिना कोई डिटेल्स लिए आपने बच्चों को ऐसे कैसे रख लिया? गिरजा मेरे पास उसकी माँ कल्पना का फोन नंबर है। और अच्छा अगर मेरी जगह तुम होती ना तो तुम भी उसे नहीं लौटा पाती। तुमने उन बच्चियों को नहीं देखा, बहुत प्यारी हैं दोनों। मैं आपकी जगह होती ना तो थोड़ा और पता लगाती, बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत है। खैर मैं उन दोनों को देखने जा रही हूँ। माँ मैं भी आती हूँ आपके साथ। चलो
तुम्हारे यहाँ भले ही मुझे इस बात के लिए डांटे, कि अगर मेरी जगह वो होती ना तो वो भी वही करती। आपसे ही सीखा ही ये सब। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा वो दोनों लड़कियां पायल और छाया कहाँ हैं? कैसे हो बेटा? अच्छे से खाना खाया? ठीक है तो अब तुम सो जाओ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो ये अदिति दीदी हैं, इनसे कह देना, ये मुझे बता देंगी। प्यारी बच्चियां हैं दोनों। अच्छा, यानी मैं सही था, है ना? हाँ। लेकिन उन्हें उनके माँ के प्यार की जरूरत तो है ही। हाँ गर्जा, ये तो मैं भी मानता हूं। इतने समय में इतना ही जमा कर पाए, पैसों की बड़ी तंगी चल रही थी सर, इसलिए अगली बार पूरी साल का पैसा जमा कर देंगे, अभी ये रख लीजिए। कल्पना, इन बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो कल्पना, तुम्हारी बच्चियां बहुत प्यारी हैं लेकिन अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए हम जानते हैं मेम साहब, अगर हमारी जरा सी भी हैसियत होती हम उन्हें अपने साथ रखते, पर आप हमारी मजबूरी समझिए, वो वहाँ घर में रहेंगी ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सर वो अभी हम जल्दी जल्दी में हैं इसलिए भूल गए, क्या है कि बच्चों के बाबा हमसे नाराज हैं, उन्हें अभी भी नहीं पता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका खर्चा दे रहे हैं, उन्हें तो हमने यही बताया हुआ है कि बच्चे हमारी माँ के पास में हैं, पर अगर आप हमें एक महीने की मोहलत देंगे सर तो हम अपने पति को भी समझा लेंगे और आपको जो चाहिए वो भी लाके दे देंगे, हमारा भरोसा कीजिए सर। एक कटोरी भरकर गौरी, एक कटोरी भरकर गौरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, उसके बाद अमरूद। कल्पना, दो बहने से ज्यादा हो गए और तुम एक बार भी बच्चों से मिलने नहीं आई हो। सर हम बहुत मुश्किल में हैं, हम जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, हमको खुद अपनी बच्चियों की बहुत याद आती है। जैसे भी करके एक दिन का समय निकालो, बच्चियां तुम्हें बहुत याद करती हैं। हम समझते हैं सर, जैसे ही होगा हम जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। कभी कभी बाबा कहते थे कि खेत में भेड़िया आ जाते हैं। अच्छा, फिर? और रात में अम्मा कहती थी जल्दी से चुप करके सो जाओ नहीं तो घर में भेड़िया घुस जाएगा। तो तुम लोग डरते थे? एक बात बताओ बेटा, आपने कभी शेर देखा है? नहीं दर्शन भैया। नहीं देखा? मुझे शेर से बहुत डर लगता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये संडे को हम लोग जू चलते हैं, शेर देखेंगे, जिराफ देखेंगे, हाथी देखेंगे। सच्ची भैया? हाँ, तो और उसके बाद हम लोग गार्डन में भी चलेंगे, ठीक है? गार्डन? मुझे जाना है भैया। तुम भी आओगी, लेकिन एक काम करना, तुम दोनों को ये संडे एकदम फटाफट रेडी हो जाना पड़ेगा, ठीक है? फटाफट। आंटी अम्मा कब आएगी? आएगी बेटा, जल्दी आ जाएगी।
कल्पना ये गलत है, ज्यादती है हमारे साथ और हमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चों के साथ। सर हमें माफ कर दीजिए, पर अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम घर छोड़ के आ पाए, पर जैसे ही कुछ होगा हम जल्दी से जल्दी वहाँ आ जाएंगे। तुम्हारी ये बात मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ। और क्या कहें सर, अपने बच्चों से अलग होकर हम पे जो बीत रही है वो कोई और नहीं समझ सकता। कौन सी माँ अपने बच्चों से दूर होना चाहेगी। सर भरोसा कीजिए हमारा, हम जल्दी से जल्दी वहाँ आएंगे। कल्पना, रॉन्ग नंबर मिला है आप, ये कोई कल्पना का नंबर नहीं है। ये कल्पना तिवारी का नंबर है, उसने खुद दिया है मुझे। और आप कौन? अरे देखिए, हम चाहे जो भी हो लेकिन हम कल्पना नहीं है। अब आप खामखा हमको परेशान कर रहे हैं, कह रहा हूँ ये हमारा नंबर है। भाई साहब, इस नंबर पे कल्पना तिवारी से मेरी कई बार बात हुई है। अब देखिए, आपको कौन सी भाषा समझ में आती है वो बताइए, आप उसी भाषा में समझाएं हम आपको। कह रहा हूँ कि ये कल्पना तिवारी का नंबर नहीं है, ये हमारा नंबर है। आप हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या कह रही थी कल्पना? कुछ नहीं, फोन पे नहीं आ रही है। बार बार एक आदमी फोन उठाता है, वो कहता है ये उसका नंबर है। वो कल्पना तिवारी को जानता तक नहीं है और तो और अपना नाम तक नहीं बता रहा है। ठीक है, अब आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ गिरजा, एक औरत हमें बेवकूफ बना रही है, खेल खेल रही है हमारे साथ और तो और उसे अपने बच्चों की तक फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो रामनीरपुर से है। पापा जो भी हो, लेकिन इस बात का असर उन बच्चियों पर नहीं पड़ना चाहिए। पापा वो बच्ची अब हमसे बहुत घुल मिल गई है, उनको हमारी आदत भी पड़ गई है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को और अपनी माँ को बहुत मिस करती है। और माँ है कि उसे बच्चों की चिंता ही नहीं है। बेटा, तुम्हारी अम्मा आने वाली थी लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम आ गया। लेकिन अंकल कितना टाइम हो गया, वो इतने दिन से आए नहीं। हाँ बेटा, अब मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी अम्मा ना किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। वो बार बार मुझसे पूछती हैं कि तुम दोनों की पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम दोनों को यहाँ कैसा लग रहा है। मैंने भी उनसे कह दिया, दोनों यहाँ मजे में है, ठीक है ना। लेकिन अंकल अम्मा यहाँ आ क्यों नहीं रही, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटा वो आएंगी, देखना एक दिन वो बिना बताए चले आएंगे तुम्हें सरप्राइज देने, और तुम्हें तो सरप्राइज बहुत पसंद है ना, जैसे भैया देते हैं। वो कभी तुम्हें जू ले जाते हैं, कभी पार्क ले जाते हैं, है ना। मैं तुम्हारी आंटी और प्राची दीदी से कहूंगा कि इस संडे को तुम्हारे कुछ अलग सा सरप्राइज तैयार करें, ओके? तो अब मेरे आंख खोलने से पहले तुम दोनों सीधे क्लास में, ओके? 1 2 3 अब कल्पना का फोन 5 से बाहर था और उसके बाद बंद। एक साल बीत गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। पायल और छाया अब इस स्कूल का हिस्सा तो बन गई थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ को याद करती रहती थी, पर उनकी माँ के वापस आने के आसार नजर ही नहीं आ रहे थे। प्रहलाद ठाकुर और उनके परिवार को अब इन बच्चों की चिंता हो रही थी। अब खाली रामनीरपुर जाने से इनको ढूंढना आसान नहीं होगा। और ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली तो? लेकिन उन बच्चियों के पिताजी के बारे में भी हमें उतनी खबर है जितनी कल्पना ने दी है। तुम क्या कहते हो बेटा? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे इन बच्चों पे जरा सी भी कोई आंच आए। दोनों खुश हैं, बस अपनी माँ को याद करते हैं।
लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें अपने घर जाना ही होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इनकी माँ और घर वालों के लिए अखबार में नोटिस दे देता हूँ, शायद कोई सामने आ जाए। हाँ, और अब हमें बच्चियों के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा, अब वो बड़ी हो रही है। पापा आप सही कह रहे हैं, अगर इनकी माँ ने इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया होगा तो हमें सबसे पहले अखबार में नोटिस दे देना चाहिए, ताकि कल उठ के हमारे पे कोई उंगली न उठाए। श्रीमती कल्पना तिवारी, आप जहाँ कहीं भी हो या किसी को भी इनकी जानकारी हो तो हमें संपर्क करें। यहाँ आपकी दोनों बेटियाँ बिल्कुल ठीक हैं और हम इनसे बेहद खुश हैं, लेकिन वो दोनों आपको बहुत याद करती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को उनके माता पिता के साथ की जरूरत पड़ती है। हम सिर्फ स्कूल चलाते हैं जिसमें रहने की व्यवस्था भी है। पायल और छाया बड़ी हो रही हैं और उनकी ज़रूरतें भी समय के अनुसार बढ़ रही हैं। अपने बच्चों की भलाई के लिए जल्द संपर्क करें। प्रहलाद ठाकुर, 444-555-666। One plus one equals two. तुम दोनों को अपना गांव याद नहीं है? नहीं दीदी। अंकल कह रहे थे कि तुम दोनों रामनेरपुर से हो। मुझे बस अपना घर याद है, हम कभी गांव से बाहर नहीं गए दीदी। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो शायद से तुम्हारा घर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। एक महीना बीत गया, अब तक नोटिस का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमने तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हर अखबार में नोटिस दी थी। मिर्जा, मुझे लगता है इन बच्चों की माँ इनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। पायल और छाया की माँ का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अखबार में नोटिस देने के कुछ एक महीने बाद प्रहलाद ठाकुर को एक फोन आया। पायल और छाया के बारे में कोई कुछ जानना चाहता था। जी जी हाँ, मैंने नोटिस डाला था। आप जानते हैं इन बच्चों के घर वालों को? जी नहीं, मैं हरीश शर्मा बात कर रहा हूँ, मेरठ के पास अदीजापुर से। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर ऋषिकेश कश्यप छोटी बच्चियों के एजुकेशन के लिए फंड दे रहे हैं और उन्होंने ही आपका नोटिस अखबार में देखा। जी, मैं इस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ और मिस्टर कश्यप ने ही मुझे आपका नंबर दिया है। मिस्टर कश्यप इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि इन दोनों बच्चियाँ पायल और छाया की शिक्षा के लिए भी फंड करें। नोटिस देख के लगता है इनकी माँ का कुछ खास ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए शायद इन दोनों को आपके पास छोड़ गई है। जी, लगता तो ऐसा ही है। खैर, आपके पास जो भी इन बच्चियों की जानकारी है आप हमें दे दीजिए। हरीश जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इनकी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो बच्चियों की डिटेल्स मुझे ला कर देगी, लेकिन एक साल हो गए वो अब तक नहीं लौटी है। खैर कोई नहीं, प्रहलाद जी आपके पास इन बच्चियों की जो भी जानकारियाँ हो आप हमें दे दीजिए, क्योंकि बच्चियाँ तो आपके पास हैं ही, तो उनकी उम्र, उनकी क्लास, जो कुछ भी हो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। हम इन दोनों बच्चियों की मदद करना चाहते हैं। जी, मैं सारी डिटेल भेज दूंगा। थैंक यू। चलो अच्छा ही हुआ पापा, दोनों बच्चियों को हेल्प मिल रही है। वो दोनों को 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। अब इतने पैसों से दोनों की परवरिश और पढ़ाई में बहुत मदद हो जाएगी। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उनकी माँ उन्हें यहाँ छोड़ गई, शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। हाँ माँ, दोनों की जिंदगियाँ सवर जाएगी। मैं कल ही उन दोनों की डिटेल्स उन्हें भेज देता हूँ। श्री प्रहलाद ठाकुर, हमने पायल तिवारी और छाया तिवारी की शिक्षा के लिए फंडिंग देने का फैसला किया। इस बारे में हम लोग परसों सभी अखबारों में सूचना जारी करेंगे। हम आपको पायल तिवारी और छाया तिवारी के साथ अदीजापुर आमंत्रित करना चाहते हैं, जहां मीडिया के सामने हम उनकी शिक्षा के लिए जारी किए गए फंड्स देना चाहते हैं। श्री ऋषिकेश कश्यप बालिकाओं के कल्याण की दिशा में योगदान की घोषणा करते हैं। इस प्रयास की शुरुआत में चेतना विद्यालय की पायल तिवारी और छाया तिवारी की शिक्षा निधि स्थापित की है। बाकी प्राप्तकर्ताओं के फंड वितरण का कार्य नई शिक्षा फाउंडेशन को सौंपा जाएगा। हम परसों मेरठ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए किसी बड़े स्कूल का इंतजाम भी वही करेंगे। आप दोनों खुश तो हो ना? अरे तो खुश हो तो ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? सुनो बच्चों, एक बात और, आज शाम को हम
पायल और छाया के लिए केक काटेंगे। और आज रात को सबकी फरमाइशें पूरी की जाएगी। चलो जल्दी बताओ किसको क्या खाना है। आखिर तुम आई गई, अपने बच्चों का हाल पूछते। हमें माफ कर दीजिए सर, बहुत मजबूर थे इसलिए आ नहीं सके। कल्पना मुझे बताओ ऐसा क्या था, ना तो तुम और ना तुम्हारा पति इतने दिनों से अपने बच्चों का हाल तक पूछने नहीं आ सके। हमारे पति जेल में थे सर। उन पर झूठा इल्जाम लगा था, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई थी, सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे आ गई थी। कई महीने लग गए उन्हें जेल से छुड़ाने में। एक तो बच्चों से दूर रहने की तकलीफ, ऊपर से पति को छुड़ाने की कोशिश। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, घर में सिर्फ पति कमाने वाले थे। दिन रात काम करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते रहे सर। बच्चों की बहुत याद आई पर हम मजबूर थे सर, इसलिए नहीं आ सके। कल्पना तुम्हें भी हमारे साथ मेरठ आना होगा। सर इतना सबके लिए हम आपके बहुत एहसान मंद हैं, आपने बहुत किया है हमारी बच्चियों के लिए। वो सब ठीक है, देखो तुम उन बच्चियों की माँ हो, हम चाहते हैं कि उनके अच्छे बुरे का फैसला तुम खुद लो। हाँ कल्पना, और तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस सामाजिक पहल का सबसे पहला लाभ मिल रहा है पायल तिवारी और छाया तिवारी को। मैं चाहता हूं कि पायल और छाया दोनों स्टेज पर आएं और श्री ऋषिकेश कश्यप जी से अपना चेक लें। फाउंडेशन जल्दी लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू करेगी जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इस नए कदम को हम नई शिक्षा फाउंडेशन के तहत श्रीमती शांति देवी के नेतृत्व में जल्दी शुरू करेंगे। पायल और छाया को हमारी फाउंडेशन ने पहला चेक 5 लाख रुपए का इशू किया है। इन दोनों बच्चों के लिए 25 लाख रुपए का चेक और दिया जाएगा जो हमारी नई शिक्षा फाउंडेशन मैनेज करेगी और जो समय समय पर इनकी शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। सर ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। हाँ कल्पना ये सब बहुत जरूरी है, बच्चों की सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए और मुझे अभी तक बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिली है। सर वो हम ले आएंगे, आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। बोलो कल्पना। वो हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ 4th कक्षा तक आपके स्कूल में ही पढ़ें, उसके बाद ही आप उनका दाखिला कहीं और कराइएगा, और भगवान ने चाहा तब तक आपकी कक्षाएं भी आगे बढ़ जाएंगी। ये तो वक्त ही बताएगा। एक और बात कहना चाह रहे थे। बोलो। हम पायल और छाया को घर ले जाना चाहते हैं। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम उन्हें ज़रूर घर ले जा सकती हो। बच्चियों को अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, अपने बाबा से मिलते रहना चाहिए। तो फिर हम 1 हफ्ते बाद आकर अपनी बच्चियों को ले जाएंगे। 1 हफ्ते बाद क्यों, अभी लेकर जाओ। सर वो हमने आपको बताया था ना, हमारे ससुराल वाले और हमारे पति को ये पता है कि बच्चियां हमारी माँ के पास में हैं, उन्हें नहीं पता कि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। और अब तो उन्हें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, तो हमें लगता है कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम घर जाके उन्हें मना लेते हैं, उसके बाद में हम बच्चियों को ले जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारी बच्चियों के हाथ से ये मौका निकल जाए।
ठीक है कल्पना, लेकिन पिछली बार की तरह गायब मत हो जाना, लेकिन बच्चियों की तुम्हारी जरूरत है। नहीं नहीं सर, बच्चियों ने बहुत सह लिया, अब हम उन्हें अपने आप से दूर नहीं रख सकते। हम अगले हफ्ते आके बच्चियों को ले जाएंगे। सर, हमारे पति और ससुराल वाले बहुत खुश हैं ये सब जान के। हम परसों आ रहे हैं पायल और छाया को लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कल्पना, बच्चियाँ बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जी सर, हमें पता है, हम परसों आ रहे हैं लेने के लिए उनको। तो तुम दोनों हमारे लिए गांव से क्या लेकर आओगे? पता नहीं दीदी, जो अम्मा और बाबा देंगे वो लाएंगे आपके लिए, और मैं अपनी अम्मा को यहाँ ले आऊंगी और अपने पास रख लूंगी। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी। सुबह आने वाली थी। मैंने उससे जबरदस्ती करके ये एडमिशन फॉर्म भरवा लिए थे ताकि उसके बारे में कुछ तो पता चले। पापा, इसमें तो रामनेरपुर का एड्रेस लिखा है। एक काम करते हैं, मैं और प्राची जाके उसे वहीं पे ढूंढते हैं। जी, कल्पना तिवारी का घर यही है ना? कल्पना तिवारी? नहीं बेटा, ये हमारा घर है। हम रामचरण गुप्ता हैं। लेकिन कल्पना तिवारी, जिनके जिनके पति का नाम विजय तिवारी है, उनकी दो छोटी छोटी बेटियां भी हैं, पायल और छाया। कौन लोग हैं ये? आपका कोई बेटा है जिनकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं? हमारा एक बेटा है, कानपुर में काम करता है। उसका बेटा गौरव 14 साल का है। क्या आप इन लोगों को जानते हैं, कल्पना तिवारी, विजय तिवारी, जिनकी छोटी बेटियां हैं, यहाँ आसपास कहीं रहते हो शायद? नहीं बेटा, हम नहीं जानते। लगता है आप लोगों को किसी ने गलत पता दे दिया। अब हमने पूरा रामनेरपुर ढूंढा ला, यहाँ पे कल्पना तिवारी को कोई नहीं जानता। उस औरत ने बेवकूफ बनाया हमें। ऐसा ही लगता है मुझे भी। वो इन बच्चों की माँ है। मुझे लगता है उस औरत का पहले से यही इरादा था, अपने बच्चों से पीछा छुड़ाने का। तो फिर वो एक साल बाद क्यों लौटी? शायद उसे वो बच्चों को दिए जाने वाले चेक के बारे में पता लग गया होगा। उन लोगों ने पेपर में नोटिस भी तो दिया था। पापा, वो 5 लाख का चेक भी उसी के नाम पे है। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब तक तो उसने वो चेक कैश भी करा लिया होगा। बच्चों का क्या पता है? हम बच्चियों पर इसका कोई असर नहीं होने देंगे। इस तरह हम बच्चियों का दिल नहीं तोड़ सकते। पर जब वो अपनी माँ के बारे में पूछेंगे तब क्या कहेंगे? पापा, मैंने हर तरह से ढूंढ लिया, कल्पना तिवारी का कोई पता नहीं लग रहा है। उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही
क्या कहूं बच्चों से कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं भाग गई है? नहीं, इस वक्त हमें उन बच्चों से कुछ भी नहीं कहना चाहिए और ना ही कोई ऐसे सवाल करने चाहिए जिनसे उन्हें लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़ चुकी है। लेकिन माँ अभी वो छोटी है, कल उठ के वो हमसे पूछेगी कि उनकी माँ कहाँ गई तो हम क्या जवाब देंगे? दोनों बच्चियाँ बहुत छोटी हैं और मैं नहीं चाहता कि हम उन्हें कोई सदमा दें। पापा, अगर हम उन बच्चियों को इस बारे में कुछ ना ही बताएं तो? वैसे भी उन्हें यहाँ पे रहते हुए एक साल तो बीत ही चुका है। मैं शायद उन्हें कभी ना बता पाऊँ। अब उन दोनों का ध्यान हमें रखना है और उनका भविष्य बनाना है। हम माने या ना माने, लेकिन अब ये दोनों बच्चियां हमारी जिम्मेदारी। सुषमा, हाँ आओ आओ, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। बोलो। मुझे पायल और छाया के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि उनकी हालत क्या है और ये भी जानती हूँ कि आपको उनकी कितनी चिंता रहती है। क्या बात है, कोई परेशानी है? पता नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात बताना शायद जरूरी है। वैसे तो वो दोनों पहले जैसे सबसे मिलजुल के रहती है, लेकिन उनके पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब दोनों पढ़ाई में पहले जैसी ही अच्छी हैं, लेकिन दोनों के ग्रेड्स में साफ फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे दोनों को जवाब तो आते हैं लेकिन क्लास में चुप रहती हैं। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैं उन दोनों से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों भले ही हमसे कुछ ना कहती हो, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जाने क्या क्या सोचती रहती होंगी दोनों। अगर हम इन दोनों का स्कूल बदल दें तो शायद नए माहौल से कुछ फर्क पड़े। ये यहाँ 4 साल से हैं जब से इनकी माँ इन्हें यहाँ छोड़ के गई। हो सकता है नई जगह में पुरानी बातें भूलने में कुछ मदद मिले। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है दोनों ने। मैं कल मेरठ में हरीश जी से बात करता हूँ, उन्होंने जो फंड इन दोनों बच्चों के नाम किया है हम उसी फंड से इन्हें नए स्कूल में डाल देते हैं। या ये भी हो सकता है कि उस फाउंडेशन का स्कूल तैयार हो गया हो, हम वहां भेज सकते हैं। वो बस मैं ऐसी ही बात करी थी कुसुम से। उसने बताया कौन सा स्कूल? उसने बस इतना कहा कि शायद पायल और छाया दूसरी किसी स्कूल में जाएंगे। उसने कहा है तो मतलब उसको जरूर पता होगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। दीदी, क्या अंकल आंटी हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं? क्या हम उन्हें बहुत तंग करते हैं? हेलो, हरीश शर्मा जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं प्रहलाद ठाकुर बोल रहा हूँ, चेतना विद्यालय से। आपको याद है मेरे स्कूल की दो लड़कियाँ थी, पायल और छाया, जिन्हें पढ़ाई के लिए फंड अलॉट किए थे। जी 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 बिल्कुल याद है। प्रहलाद जी कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ।
वो क्या है हरीश जी, अब दोनों बच्चियां बड़ी हो गई हैं। मैं चाह रहा था कि उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेजा जाए। आप ही के अलॉट किए फंड से? मेरे बेटे दर्शन ने शायद आपको बताया होगा कि उनकी माँ पहले अलॉट किए गए 5 लाख रुपए लेके कहीं चली गई थी और वापस नहीं लौटी। जी मुझे याद है। हरीश जी अगर उस फंड की दूसरी किस्त मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। देखिए प्रहलाद जी, वो सारे फंड तो नई शिक्षा फाउंडेशन को उसी वक्त सौंप दिए गए थे और स्कूल शुरू करने की और फंड बांटने की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं की थी। आई थिंक आपको उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी मैं अब उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा हूँ। हरीश जी अगर आप उस फाउंडेशन का या फिर वहाँ कोई काम करने वाले किसी का नंबर मिल सकता है मुझे? जी आप होल्ड करिए, मैं अभी आपको देता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नहीं पापा, नई शिक्षा फाउंडेशन की कोई वेबसाइट नहीं है। हरीश जी कह रहे थे कि उनका इस फाउंडेशन से कोई संपर्क नहीं है। पापा एक काम क्यों नहीं करते, आनंद जी से बात कीजिए, शायद वो कुछ हेल्प कर पाए। नमस्ते प्रहलाद जी, कैसे हैं? स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है आनंद, बस एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ बोलिए प्रहलाद जी। एक नई शिक्षा फाउंडेशन है जो मेरठ में शुरू हुई थी, पता लगाना था उसके बारे में। मैं अपने उत्तर प्रदेश के कुछ रिपोर्टर से बात करता हूँ, जैसे कुछ पता चलेगा आपको आके मिलता हूँ। थैंक यू आनंद, बड़ी मदद हो जाएगी हमारी। वो फाउंडेशन बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी? हाँ, ये वही फाउंडेशन है ना जो शांति देवी ने शुरू की थी। इस फाउंडेशन का काम तो शुरू ही नहीं हुआ, जितना फंड चाहिए था उतना जमा ही नहीं कर पाए, आखिर काम बीच में ही बंद करना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ आनंद, मैं सोच रहा था कि मैं पायल और छाया को एक अच्छा भविष्य दे सकूं, और उनकी माँ तो अभी तक नहीं लौटी है। पायल और छाया बड़ी हो रही थी और प्रहलाद और उनकी पत्नी गिरिजा की उम्र भी ढल रही थी। वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे इन दोनों बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, बेहतर बन सके। वो चाहते थे कि दोनों पुरानी यादों को भूलकर आगे बढ़ सके, और इस सब के बीच अचानक उन्हें एक ऐसा धक्का लगा जिसने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। ये एपिलेप्सी है। कोई पुरानी हिस्ट्री है इस बच्चे की? पहले कभी ऐसे दौरे आए थे उसको? वो तो हमें पता नहीं डॉक्टर, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। छाया पिछले 4 साल से हमारे साथ है, और अगर इससे पहले उससे कुछ सर एक्चुअली वो लड़की हमारे हॉस्टल में रहती है। 4 साल पहले इसकी माँ इसे और इसकी बहन को हमारे हॉस्टल में छोड़ के गई, फिर वापस लौट के कभी नहीं आई, इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, एपिलेप्सी दवाई और प्रॉपर डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह जानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसके पीछे कोई ब्रेन ट्रोमा काम कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसके दिमाग में पल रही हो। हमें छाया को हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखना होगा, और रेगुलरली EEG एनालिसिस और साइकोलॉजी सेशन भी देने होंगे। इस वक्त इस बच्चे का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अंकल। हाँ बेटा। क्या आप हमें दूसरे स्कूल में भेज रहे हो? नहीं बेटा, ये वाली दवा एक लंच के बाद। लंच के बाद? और ये एक चम्मच सिरप। ये भी ब्रेकफास्ट के साथ? बिल्कुल। और हर मंडे को डॉक्टर राजन के पास छाया को ले जाना है, एक्यूपंक्चर थेरेपी के लिए मंडे को ले जाना है, और साइकोलॉजी सेशन के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे को जाना है। ठीक है। सुनिए पायल अकेले कैसे छाया का ध्यान रखेगी, वो भी तो बच्ची है, और फिर छाया को ये सारी दवाइयाँ वक्त पे देना बहुत ज़रूरी है। हाँ पापा, और अगर इस बीच छाया को दोबारा अटैक आता है तो पायल अकेले उसकी देखभाल कैसे कर पाएगी? इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों को यहीं पर लेकर आए, घर में एक कमरा खाली पड़ा है,
दोनों यहीं पे रहेंगी तो छाया का ख्याल रखना आसान हो जाएगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं उन दोनों से बात करता हूँ। बेटा वहां मैं, तुम्हारी आंटी, भैया, दीदी सब साथ में होंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो तुम हमारे घर रहने। बीत चुके थे लेकिन अब तक उनकी मां या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके बारे में पता लगाने नहीं आया था। प्रहलाद और गिरजा असल में अब उन दोनों के गार्जियन बन चुके थे, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि इन दोनों बच्चियों को एक परिवार मिले, माँ बाप मिले जो इन्हें घर दे सके, अपने बच्चों की तरह प्यार दे सके। छाया का इलाज अच्छे से चल रहा है और ट्रीटमेंट का असर भी हो रहा है। हाँ, वो तो आप और गिरजा जी इतने अच्छी तरह से ध्यान जो रख रहे हैं दोनों का, इतना तो बनता है। लेकिन एक बात कहना चाहता था प्रहलाद जी, कैसे भी आप दोनों बच्चों के माँ बाप को ढूंढिए। आनंद, तुम तो अच्छे से जानते हो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके माँ बाप को ढूंढने के लिए। मैं समझता हूँ प्रहलाद जी, लेकिन सच तो यही है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप लोगों को जानते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप बच्चों के एडॉप्शन के बारे में सोचिए। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये सब मैं करूँगा कैसे? यहाँ की चाइल्ड केयर कमेटी की कोऑर्डिनेटर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप कहें तो उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। बस तो मुझे उनसे जल्दी से मिलवा दो, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंकल ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया। प्रहलाद जी चाहते हैं कि आप दोनों को एक बहुत अच्छी लाइफ मिले और मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आप दोनों को बहुत अच्छा घर मिलेगा। दीदी, हमें उन लोगों से क्यों मिलना है? पता नहीं, चल अभी। पायल साहब, बेटा ये रतन मिश्रा जी हैं, ये गार्गी मिश्रा जी हैं, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। बेटा यहाँ आओ। भेजना चाहते हैं ना? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो फिर अंकल, वो जो लोग आए थे इसलिए ना, ताकि आप उनमें से किसी के साथ हमें भेज दें। ऐसे कैसे भेज देंगे बेटा, वे ना तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की तरह तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मम्मी पापा की तरह तुम्हें प्यार करेंगे। अंकल लेकिन आप और आंटी भी तो हमें प्यार करते हैं ना। कब का हमें गले लगा चुके हैं, अब हम ही उनका संसार है। मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन क्या अब हम इन बच्चियों के बगैर रह पाएंगे? मैं यही सोचता रह गया कि कैसे इनका भविष्य संवार। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये दोनों हमारी ही बच्चियां हैं। जब हालात थोड़े संभलने लगे थे, सभी इन परिस्थितियों को गले लगाकर जीवन में आगे बढ़ने को तैयार होने लगे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसा हो गया जिससे ना सिर्फ बीते हुए कल पे बल्कि आने वाले कल पे भी सवाल उठ खड़े हुए।
की चार दीवारी में ही रहना तुम, समझे? बच्चे हैं तुम्हारे, ध्यान रखना उनका। जी जी, ये प्रहलाद ठाकुर जी का घर है। जी हाँ, आप कौन? जी हम राजेश तिवारी हैं, हम पायल और छाया तिवारी के पिता हैं। पायल, छाया, बेटा हम तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें याद है हम तुम दोनों को खेत में खेलने ले जाते थे, पेड़ पे टंगे झूले पे झुलाते थे। बेटा हम तुम्हारे बाबा हैं। अब यही दिन देखना बचा था, हमारे अपने बच्चे ही आज हमें पहचान ही रहे। राजू बेटा, पायल और छाया को अंदर ले जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने चाइल्ड केयर कमेटी से तेजस्वनी को बुलाया है, हमें तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतने सालों बाद अचानक तुम यहां आकर अपने आप को पायल और छाया का पिता बना रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम आपको क्या बताएं साहब, ये हमारे भैया और भाभी है, ये आपको बताएंगे कि हम पर क्या गुजरी है। देखिए अभी थोड़ी देर में तेजस्विनी जी आती होंगी, बेहतर होगा उनके सामने ही आप सब बात बताएं। ये सब फोटो आपको साफ बता देंगे कि ये हमारी बच्ची है। यही छाया और पायल है, और ये इनकी माँ कल्पना की फोटो है। कल्पना साहब, ये औरत कल्पना नहीं, सुरेखा है, एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत ही है। राजेश जी, ये इन बच्चों की माँ है, और ये इन दोनों बच्चों को लेकर हमारे पास आई थी। इस औरत में ना कोई शर्म है ना कोई ममता, ये किसी और से चक्कर चला रही थी, इसीलिए हमने इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारी सख्ती से गांव वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम और हमारी बच्चियां कहीं की ना रहेंगी, इसलिए हमने इसे धमकाया कि ये कभी भी घर से बाहर ना निकले। बाहर कुंडी नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें घर के बाहर निकलने की छूट दे रखी है। घर की चार दीवारें में ही रहना तुम, समझे? लेकिन फिर भी सुरेखा नहीं सुधरी, और ना ही उसने उस आदमी से अपने संबंध तोड़े, बल्कि हम पर जानलेवा हमला करवा दिया। ये कोई कल्पना का नंबर नहीं है, गया रास्ते का काटा। चलो निकलते हैं यहां से। लेकिन इतने सालों तक आप अपनी बच्चियों को ढूंढने क्यों नहीं आए? हमें बहुत देर बाद पता चला कि राजेश खेत में लहूलुहान पड़ा है, हम इसे तुरंत अस्पताल ले गए। इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी, कुछ दिनों तक तो ये होश में रहा, लेकिन उसके बाद कोमा में चला गया। हमें पूरे 6 साल बाद होश आया, लेकिन हमें फिर से अपनी जिंदगी संभालने में वक्त लगा। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि दोनों बच्चियाँ यहाँ हैं? हम जगह जगह भटक रहे थे कि शायद किसी को कुछ पता हो, फिर हमें कोई मिला जिसने अखबार में कुछ पढ़ा था, उसे चेतना विद्यालय के बारे में कुछ याद था, और कोई पायल और छाया के बारे में भी। हमें तो ये पता नहीं था कि ये हमारी ही बच्चियाँ होंगी। फिर भी हम चले आए इसी आस में कि शायद हमें हमारी पायल और छाया मिल जाए। ये देखिए, ये हमारी बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र। इतने दिनों से मैं यही तो मांग रहा था, अब समझ में आया कि वो ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं ला सकी। कैसे लाती साहब, घर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी।
हमने इन बच्चों की माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने बस हमें यही बताया था कि उसका नाम कल्पना है और वो रामनेरपुर की रहने वाली है। अरे हम तो रामनेरपुर कभी गए नहीं, हम तो यहाँ लाभगंज जिले के संकिल गांव में रहते हैं। राजेश जी, चलिए मैं मान लेती हूँ कि ये बच्चियाँ आपकी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करनी होंगी, जैसे कि आपके कोमा में रहने वाली बात सही है या नहीं, और इन बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स वो असली हैं या नहीं। एक बार चाइल्ड केयर कमेटी को यकीन हो जाए कि आप ही इनके पिता हैं तो हम इन बच्चियों को आपको सौंप देंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप वो टेस्ट करवा लीजिए, क्या कहते हैं उसे, डीएनए टेस्ट। जी हाँ वही, अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी करवाएंगे। दीदी, हम उस आदमी के साथ नहीं जाएंगे। हमें अपने बाबा याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है आंटी। बेटा, कोई नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अगर वो सचमुच तुम्हारे बाबा हैं तो हम उन्हें नहीं रोक सकते। बेटा, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, हमसे जो बनता है वो हम करेंगे। अगर वो इन बच्चों का पिता है तो हक बनता है उनका इस बच्चों पे। हम सिर्फ पढ़ाई में मदद कर सकते हैं ताकि उनका आने वाला कल संवर सके। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो वाकई में 6 साल तक कोमा में था। उसने हमें जो हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है हमने वहाँ जाकर पता किया, हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, बर्थ सर्टिफिकेट्स असली हैं, और हमने उसकी पत्नी के बारे में भी जानकारी हासिल की है। वो सच कह रहा था, उस औरत का नाम सुरेखा है और उसके माँ बाप खपसोट गाँव में रहते हैं, और उन्हें उनके निवासियों पायल और छाया के बारे में पूरी जानकारी है। पर ये सुरेखा उर्फ कल्पना, इसको उन्होंने भी कई सालों से नहीं देखा। हमारा लगाव उनसे कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप कोशिश करो, शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, वो दोनों खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर इन्हें हमारे साथ नहीं आना है तो इसमें इन दोनों की क्या गलती है? एक बार बेघर हो चुके हैं दोनों, अब हम दोबारा ये नहीं कर सकते। आप लोग ही इनका परिवार है, यही रहने दीजिए इन्हें, बस हमारी सिर्फ 2 विनतियां हैं आपसे। हमें कभी कभी इनसे मिलने दीजिएगा, पर कभी इनकी मां लौट कर आई तो इन्हें उसके हवाले मत कीजिएगा। उसे कभी इन दोनों की फिक्र है तो कहीं कुछ अच्छा भी होता है। इसमें से हम क्या चुनते हैं ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। अगर बुराई डरा सकती है, धमका सकती है, आंखें बंद करने पर मजबूर कर सकती है, तो क्यों ना हम अच्छाई को गले लगाएं, उसे पनपने का मौका दें, कोई अच्छा काम करें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और ये मत पूछें
कि हम ही क्यों अच्छे बने, बल्कि अपने आप से ही अच्छाई की शुरुआत करें और इसे हर तरफ बढ़ता हुआ देखें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।